गुड मॉर्निंग, कैसे हो बच्चों? हाउ आर यू? सब अच्छे होंगे? अरे पढ़ने वालों, सब खुश हो? सब अच्छे हो? कोई परेशानी तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिलहाल मैं आपको एक अपडेट देना चाह रहा था, काफी बड़ी अपडेट है आपके लिए। आपको पता ही होगा, रिजल्ट आ चुका है 10वीं और 12वीं का, सीबीएसई का। तो अब सीबीएसई ने जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं थे उनके लिए एक पॉलिसी जारी करी थी। हालांकि उसकी विंडो भी नहीं खुली है कि जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं नॉट सेटिस्फाइड, और अपने स्कूल को आप लेटर लिख सकते हो। बट आज की अपडेट ये है कि सीबीएसई जल्दी ही आपकी डेट शीट लॉन्च करने वाली है, और ऐसा कहा जा रहा है कि आज भी आपकी डेट शीट आ सकती है। मतलब प्राइवेट, पत्राचार, कंपार्टमेंट, इसके अलावा इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे की डेट शीट आज आ सकती है। तो नजर बनाए रखिए, हम जब डेट शीट आएगी तो सबसे पहले आपको बताएंगे। सीबीएसई की वेबसाइट है ऑफिशियल, उसी की जो डेट शीट है उसी पे ट्रस्ट करना, क्योंकि बहुत सारी फेक ऐसे गैंग होते हैं जो फेक चीजें डाल देते हैं नेट पे, जिससे फेक डेट शीट भी आई है कई बार। तो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि केवल सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, www.cbse.nic.in, उस पर जाओगे, फिर सेक्शन की वेबसाइट और रिजल्ट वाली वेबसाइट, तो दोनों पर चेक कर लेना। वैसे हम बता ही देंगे आपको, लेकिन इसके अलावा किसी भी व्हाट्सएप वाले लिंक से या कोई टेलीग्राम पर आपको भेजता है डेट शीट, उस पर ट्रस्ट मत करना, चाहे मैं भी भेजूं। प्लीज केवल सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही टच करना। तो हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। हालांकि हम अभी भी विरोध कर रहे हैं एग्जाम होने का बच्चों के, प्राइवेट वाले बच्चों का, क्योंकि ये उनके साथ अन्याय है और हम इसका विरोध करते रहेंगे लास्ट टाइम तक, ये हमारा अधिकार है। जहां तक बात है इंप्रूवमेंट की, जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है वो अपने एग्जाम दे सकते हैं इंप्रूवमेंट के, अगर उनको लगता है उनकी तैयारी अच्छी। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपको लगता है कि तैयारी इस लायक है कि आपके नंबर इससे ज्यादा आ जाएंगे जो आप कर रहे थे अभी, जो आपके आए हैं, तो प्लीज अप्लाई कर दीजिए। सो एग्जाम जानकारी पर लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।